हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रगड़ा पेटीज। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रगड़ा पेटीज बनाने की सामग्री है 250 ग्राम मटर है, जिसे हमने पूरी रात भिगोकर रख लिया था और अब हमने पानी से अलग कर लिया है। 500 ग्राम आलू है, जिसे हमने हल्दी और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। पानी, एक बड़ा टमाटर है जिसे हमने बारीक काट लिया है, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा कप हरी चटनी, आधा कप इमली की मीठी चटनी, 1 कप सेव, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। सबसे पहले हम मटर को बॉईल करेंगे। प्रेशर कुकर में हम मटर को डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, पानी डालेंगे, दो कप हमने पानी डाला है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और तेज आंच पर 4 से 5 सीटी होने तक पकाएंगे। 4 सीटी हो गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। प्रेशर कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। कलछी से हम मिक्स करेंगे। मटर हमारा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है, रगड़ा बनकर तैयार है। अब हम पैटीज बनाएंगे। पैटीज बनाने के लिए हम बड़े बाउल में आलू को मैश करेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम थोड़ा सा हाथों में मिश्रण को लेंगे और इस तरह से हम बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे पैटीज को बनाकर तैयार करेंगे। पैटीज बनकर तैयार है, अब इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। पैटीज को हम तवे पर सेलो फ्राई करेंगे। 2 चम्मच हमने तेल को गर्म कर लिया है। पैटीज को हम तवे पर रख देंगे और धीमी आंच पर हम सेकेंगे। टिक्की को हमने धीमी आंच पर अच्छे से सेक लिया है। नीचे साइड से टिक्की हमारी सेक गई है, पलट लेंगे। देखिए, इसी तरह से सेकना है। दूसरे साइड से भी सारे टिक्कियों को हम इसी तरह से पलट लेंगे। दूसरे साइड से भी हमने पैटीज को अच्छे से सेक लिया है। देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सेक गई है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पैटीज को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम प्लेट में पैटीज रखेंगे। प्लेट में हमने पैटीज को रख लिया है। अब हम रगड़ा डालेंगे। अब हम हरी चटनी डालेंगे। इमली की मीठी चटनी डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे। कटा हुआ टमाटर डालेंगे।
हरा धनिया पत्ता डालेंगे। सबसे आखिरी में हम सेव डालेंगे। रगड़ा पेटीज बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।